Oh God. अंशु मौसी। अरे प्रकाश, आओ आओ बेटा आओ। पहचाना? मम्मी ये वही प्रकाश। हाँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। बैठो बैठो। इसके पिताजी मेरे पिताजी के यहाँ किराएदार थे और हमारा घर का संबंध था। बोलो बेटा, कुछ काम था? मासी, वो सुबह आपके घर से व्हाइट टॉप और ब्लू रंग का घाघरा पहनकर कोई लेडीज शिव मंदिर गई थी। हाँ हाँ, मैं। तो आपको मंदिर के पास काले रंग का पेन मिला कहीं पर वहाँ पर? हाँ हाँ, मिला था। पता नहीं क्या यार, तो नहीं है ना एक बॉल पेन के लिए लोल है। अरे मेरे पिताजी के आखिरी निशानी थी वो, हमारी खानदानी पेन थी वो, मुझे वही पेन चाहिए। सासू माँ, मुझे थोड़ी पता था कि वो उनका खानदानी पेन होगा। अरे लेकिन चापली, किसी और का पेन किसी और को दान में देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, जिसका पेन था वो आके ढूंढ के ले जाता। इतनी भी अकल है तुम्हें? नहीं नहीं ससुमा, मैंने सोचा कि ये तो बस एक छोटा मोटा पेन है, तो उसे ढूंढने कोई क्यों आएगा? इसलिए। क्यों, तुम्हारी 50 पैसे की वो सर की पिन खो जाती है तो तुम ढूंढने नहीं लगती हो? पिन कहाँ गई? 50 पैसे की पिन होती है जो। ससुमा एक मिनट। मैं हाँ साकची, मुझे जब कुछ बोलना होता है तब भी आप रोक देते हो ससुमा के चमचे। अरे ए? अरे मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, कन्हैयालाल जी और प्रकाश गए ना बच्ची को ढूंढने, तो पेन मिल जाएगा। हाँ साकची, वीरा को फोन कीजिए ना, वो लोग कब के गए हैं? वही थोड़ी देर पहले तुम्हारे वीरा का फोन आया था, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा सरस पापा, पता नहीं साकची मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया कि वो पेन ना मैं बच्ची को दान में दे दूं। दिमाग है तुम्हारे पास? वो तो वीरा खड़ी के मेले में बेच कर आई है। हाँ? नहीं नहीं मॉम, आप ये बार बार कहते रहते हो ना, तो सोनिया को लगा कि आपकी तकलीफ थोड़ी सी कम कर दूं। और अगर तुम्हें कुछ दान में देना ही था तो नया पेन देती, कोई नोटबुक दे देती, कुछ और दे देती, लेकिन वही पेन देने की क्या जरूरत थी? हाँ, सबको ना अपनी अपनी चीजों पर लिख देना चाहिए, ये हमारी खानदानी चीज है, ये मेरे पप्पा की आखिरी निशानी है, तो उससे क्या होगा, कभी भी कोई भी चीज गुम हो जाती है और किसी को मिल जाती है तो कम से कम उसका महत्व तो पता चलेगा किसी को। तू ताना मार रही है? हाँ? ना ना ससुमा, खोटी बात, मैं तो जो सच है वही बता रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए सबको। हे भगवान, आओ आओ आओ। अरे पेन तो तब मिलता ना जब वो बच्ची मिलती, ना ही तो बच्ची मिली ना ही तो पेन। पुलिस मिल गई, पता लिया है? अरे ये तैसे लोला था, छोटे बच्चे थी तला, पुलिस ने मुझे 2-3 चमाट मार दिया। ता, 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 ता। बोले क्या किया इसने साथ में? अरे 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 प्रकाश प्रकाश प्रकाश, शांत हो जाओ प्लीज,
बच्चे की तरह नहीं रोते, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत शांत प्रकाश शांत तो जाओ भाई, शांत हो जाओ। लोहित भाई, माँ देवता झाप करने के बजाय इसके सामने चुप चुप ऐसा बोलना पड़ रहा था। धन्य है आपकी चॉइस, एक ये आपकी लौटी बीवी देखा और ये बचपन का दोस्त। ये होता है, गलती इंसान से ही होती है। अब तुम मुझे आराम से ये बताओ कि तुम एक पेन के लिए इतना रो क्यों रहे हो भाई? हमारे लिए वो पेन पेन नहीं था, तलवार थी, अरे जिससे कई युद्ध लड़े हमने। वो हमारी खानदानी पेन थी जिसकी वजह से परदादा पांचवी पास हुए, दादाजी दसवीं पास हुए, पिताजी बारहवीं पास हुए और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मतलब पेन की वजह से पास होते थे, पढ़ाई नहीं करते थे? पढ़ाई करते थे, फिर भी परदादा पांचवी में 3 बार फेल हुए। फिर उन्होंने उस पेन से परीक्षा दी और वो पास हो गए। यार ये तो बड़े ही कमाल का पेन है। फिर दादाजी 10वीं में 3 बार फेल हुए, फिर परदादाजी ने दादाजी को ये पेन दिया और वो पास हो गए। अब बारी आई पिताजी की, पिताजी 12वीं में 3 बार फेल हुए, फिर दादाजी ने पेन को तिलक लगाकर पिताजी को दी और पिताजी पास हो गए। रोहित भाई, ये पेन है दी कंप्यूटर है, सब तो पास तला देती है चौथी बल में। क्या सोचा है कन्हैया लाल जी, वाह। फिर बारी आई तुम्हारी, तुम ग्रेजुएशन में 3 बार फेल हो गए, फिर तुम्हारे पिताजी ने पेन को तिलक लगाकर तुम्हें दे दिया और तुमने उस पेन से एग्जाम दिया तो तुम पास हो गए, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो या भाई, मैं और मिली बहन मही भाभी, हम दोनों ने भी 3 बार फेल होते पढ़ाई छोड़ दी थी, तभी आपने पेन उदल क्यों नहीं दिला दी? अब हमारे खानदान क्या, खानदान क्या है हमारे? मेरे पास खानदानी पेन की फोटो है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो मासी। अरे प्रकाश, एक बात बताओ भाई, अगर ऐसी बात थी तो तुमने पहली ही बार इस पेन से एग्जाम क्यों नहीं दे दिया? मतलब 3 बार फेल होने का इंतजार क्यों किया भाई? हिमालय वाले बाबा ने इस पेन की इंक में मंत्र जाप करके इत्र मिलाया था। इस इंक को हम बड़े संभाल संभाल कर खर्च करते थे और उसी खानदानी पेन से मैं कल अपने बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था जो पिछले 3 बार से रिजेक्ट हो रहा है। तो इस बार आपको कुंट्रुक मिल जाता, पर पेन खो गया। खानदानी पेन मिलेगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अब क्या? और सब इस चांपली की वजह से हुआ। बस सासुमा भी और कितना डांटोगी? बात तो तुम्हारी सही है मैं। मैं सोचती हूँ कि अब तुम्हें डांटना बंद कर दूँ। चाबुक ले आती हूँ और फटके मारती हूँ तुम्हें। वाह, ये मस्त है। और तुम्हें भी। अभी मस्त है भाभी? प्रकाश, प्रकाश शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब क्या कर सकते हैं? कुछ तो करो। कर सकते हैं सासुमा? मैं जब पेन लेकर आगे जा रही थी ना, तो मुझे मंदिर के पुजारी जी मिले थे। अति उत्तम मही बिटिया, किसी को अन्न दान करना, धन दान करना पुण्य का काम है बिटिया, लेकिन किसी को शिक्षा देना और शिक्षा के लिए मदद करना महापुण्य का काम है बिटिया। इस बच्ची को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे बिटिया, सारी मनोकामनाएं। इसका मतलब सासुमा, वो पुजारी जी बच्ची को जरूर जानते होंगे, मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाती हूँ। हाँ मही बेटा, मैं उस कन्या को पहचानता हूँ, स्वाहा। मैं कितने दिन से सुना, जा जा जा। हाँ, उस कन्या का नाम कृपाली है, स्वाहा। हाँ, बहुत अच्छा नाम है कृपाली, स्वाहा। बेटा, उसका नाम सिर्फ कृपाली है,
और उसका उपनाम कोयल है। स्वाहा 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 पंडित जी पुजारी पापा स्वाहा स्वाहा बाद में। अभी मुझे वो कृपाली बच्ची के बारे में कुछ बताइए ना ज्यादा। कृपाली मंदिर के पीछे जो बस्ती है वहाँ रहती है स्वाहा। पुजारी काका अब जल्दी से मुझे वहाँ लेकर चलिए, मुझे ना वो खानदानी पेन उसे वापस लेनी है और ये हमारे प्रकाश भाई को वापस पिन देनी है। बेटा पेन तो अब एक हफ्ते बाद ही मिलेगा, कृपाली अपने पिता के साथ मुंबई चली गई है एक हफ्ते के लिए। स्वाहा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रकाश प्रकाश देखो कोई लकी पेन वकी पेन नहीं होता, हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारी मेहनत की वजह से हमारी काबिलियत की वजह से मिलता है। पर मेरे केस में थोड़ा अलग है। अरे रोहित भाई आपका दोस्त तो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है यार। वो तो है। अच्छा प्रकाश भाई कल आपको आपकी पेन कितने बजे चाहिए? 12 बजे। वही बेवला बेड़ा बंद कर, क्या बोल रहा है? जो कुछ भी बोलना है सीधे सीधे बोल। प्यारी सुषमा भोली भोली सुषमा। देखो सुषमा आपको पता है कि आप भी बहुत अच्छी हो, मुझे भी पता है आप बहुत अच्छी हो। सुषमा आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए प्लीज, आप ना आपके दोनों ड्राइवर भाई को गाड़ी लेकर मुंबई भेजना प्लीज। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? अरे एक पेन के लिए मैं मेरे ड्राइवर को क्या मुंबई भेजूं? क्या आप पागलों जैसी बात कर रहे हो मासी? अरे क्या मासी, तुम तो अंधविश्वास में मानते हो लेकिन ये तो प्रकाश की माँ है। हाँ? ना ना वे भगवान। अरे प्रकाश कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए मेहनत करो, इंटरव्यू की तैयारी करो। मेहनत बहुत की, मेरे साथ मेरा लक नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा वासी। अगर पेन की वजह से प्रकाश को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो उसके गुनेगार तो हम लोग ही कहलाएंगे ना। मॉम हमारे पास एक मौका है तो ट्राई करके देखते हैं ना। अरे अच्छा ठीक है ठीक है, मेरा मन तो नहीं मान रहा है भाई, लेकिन प्रकाश के लिए मैं मेरे ड्राइवर को मुंबई भेजती हूँ बस। अरे वाह बोलो अंशुया जी सासु माँ की जय। पुजारी काका अब कृपाली के पिताजी को मुंबई फोन करके वो मुंबई का पता मैसेज करवाने को कहिए ना। स्वाहा। ये है कृपाली के पिताजी का मुंबई का एड्रेस और ये उनका नंबर, जरूरत पड़े तो फोन कर। एक मिनट भाई ये लीजिए, इन दोनों में दबा दबा के खाना भरा है, आप लोग आराम से खाना, लेकिन देखो रास्ते में बिल्कुल मत रुकना, जल्दी जल्दी जाओ। और देखो सुना भातल जाना और भात तलाना। अरे वाह मतलब ये लोग अन्ना भात से मुंबई तक भाग कर जाएंगे, मस्त है मस्त। ओ बिरबल को रुको, ये दोनों टारच रखो, रास्ते में अगर आप लोगों की गाड़ी की वो आगे की लाइट खराब हो गई तो फिर इसे काम चला लेना। हाँ जय हो जय हो ड्राइवर भाई, पिन लेके आना ड्राइवर भाई। हेलो जय हो जय हो ड्राइवर भाई, पिन लेके आना ड्राइवर भाई। बस बस जल्दी करो जाओ अभी, लेट हो जाएगा इनको। और ये लोग जंग पे नहीं जा रहे मासी, मेरी नजर से देखो ना तो ये सचमुच जंग पर ही जा रहे। प्रकाश अब तुम भी घर जाओ, तुम्हारी लकी पेन तुम्हें मिल जाएगी ठीक है। अबे वाह मेरी माँ
अब तक तो दोनों ड्राइवर भाई मुंबई पहुंच गए होंगे। कृपाली के पिताजी से उनकी मुलाकात हुई होगी कि नहीं? हुई होगी कि नहीं? हेलो ड्राइवर भाई, पिन मिली? हाँ, मैं ना रमेश बोल रहा हूँ, कृपाली का पापा। रमेश काका, कैम चल जाए हमें। अच्छा रमेश भाई, देखिए आपके पास वो जो पेन है ना, वो इनको दे दीजिए हाँ वापस। हाँ, जैसे ही आपका फोन आया कि पेन वापस करना है, मैंने उसी समय कृपाली से पेन लेके अपने पॉकेट में हिफाजत से रख लिया। सरस, लेकिन अभी वो पेन वापस दे दीजिए हाँ प्लीज। और लेकिन उसी समय ना मेरी बहन का फोन आया कि मुझे वसई जाना है, तो फिर मैं लोकल में चढ़ के, पता है ना मुंबई की लोकल, वो भीड़ भाड़। हाँ बस वहीं पे आ रहा हूँ, तो क्या वो किसी तरह मैं बड़ी मुश्किल से ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन ट्रेन में वो धक्का मुक्की इधर उधर, बड़ी मुश्किल से खड़े होने की जगह बन रही थी, फिर भी मैं चढ़ा हुआ था, खुद को मैनेज कर रहा था मैं, लेकिन पता नहीं उस धक्के मुक्की में वो पेन कहीं वो गिर गई। कल सुबह प्रकाश भाई आएंगे, पेन के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी अम्मे माँ? हाय राम, अब क्या होगा? तो फिर आप भी बैठ के नाश्ता कीजिए। मोहिनी भाभी, अनुसह मौसी। आओ आओ आओ। जय अंबे। जय अंबे। आप खुश हैं? अरे आप खुश हैं इसका मतलब मेरा पेन मिल गया। मोहिनी भाभी, आपका पेन। प्रकाश भाई, ये लीजिए आपका खानदानी पेन, लो। मुझे मेरा खानदानी पेन मिल गया। ये मेरे पेन को सफेद दाग कैसे? मेरा ही पेन है ना? दीवारों पे रंग करते हैं। अरे मही, उसे पेंटर कहते हैं। आप समझ गए ना सागर जी? अरे मही, मैं तो समझ ही जाता हूँ ना, मेरे पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। लेकिन अभी तो प्रकाश भाई को समझाना है ना। वो समझ गए सागर जी, आप समझ गए कि नहीं प्रकाश भाई? हाँ हाँ मैं समझ गया। मेरा क्या? ना ना, जो भी है, नहीं उसका क्या कि उसके पापा ऐसे दीवार पे रंग कर रहे होंगे तो शायद रंग गिर गया होगा गलती से। खानदानी पेन मिल गया, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मही भाभी, थैंक यू। मासी, All the best. अब मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। Yes, बिल्कुल। रोहित भाई, मिलता हूँ। All the best. अरे कन्हैया। All the best. Thank you, वासी। अम्मे माँ, ये प्रकाश भाई को तो इस नकली पिन पर बहुत विश्वास है। पता नहीं अम्मे माँ, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रकाश का फोन है। हेलो, हाँ बोलो प्रकाश। क्या? अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। ओके। प्रकाश को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वेरी गुड। वाह मॉम, ये पेन तो सच में प्रकाश के परिवार के लिए लकी पेन निकला। हाँ मॉम, भले ही हम इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन जो कुछ भी है वो हमारे सामने है। हाँ रोहित भैया, लेकिन प्रकाश भाई के पास जो पेन था वो उनका खानदानी पेन नहीं था। What? हाँ, वो क्या हुआ ना कि कृपाली के पापा से
प्रकाश भाई का खानदानी पेन खो गया था। इसी तरह मैं बड़ी मुश्किल से ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन ट्रेन में वो धक्का मुक्की इधर उधर बड़ी मुश्किल से खड़े होने की जगह बन रही थी, फिर भी मैं चढ़ा हुआ था, खुद को मैनेज कर रहा था मैं। लेकिन पता नहीं उस धक्के मुक्की में वो पेन कहीं वो गिर गई। और फिर सासुमा ड्राइवर भाई की मदद से मैंने नकली पेन मंगवाया। मतलब तुमने प्रकाश से झूठ कहा? हाँ? अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार होता तो तुम क्या उससे भी झूठ बोलती? नहीं सासुमा, देखिए प्रकाश भाई पहले से दुखी थे, मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। अब देखिए मेरे एक झूठ की वजह से उन्हें कितनी खुशियां मिली। अरे उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना। मॉम, आर यू ओके? मॉम मैं ओके हूँ। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं सही साबित हुई और मही गलत। वो कैसे सासुमा? क्यों भूल गई? अरे प्रकाश की तरह तुम भी अंधविश्वास में मानती हो, और आज तुमने खुद ही साबित कर दिया कि वो खानदानी पेन का लकी होना वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का अंधविश्वास था। बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट उसे अपनी काबिलियत की वजह से मिला है, कोई लकी पेन की वजह से नहीं मिला है। वाह सासुमा वाह, कितनी महान हो आप। वैसे सासुमा मेरी जीत में भी मेरे हार कैसे ढूंढ लेती हो आप? वो इसलिए मैं ढूंढ लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी सास हूँ।